केकड़ी जहां एक ओर सरकार बिजली बचाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ केकड़ी अस्पताल में दिन में भी लाइटें जलती रहती है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से केकड़ी अस्पताल में 4 दर्जन लाइटें दिन में जलती रहती है। झालावाड़ के नेनवा में पिछले कई दिनों से दूषित पानी लोग पीने को मजबूर है। टीचर कॉलोनी में पाइप लाइन फूटने से ये दिक्कत पैदा हो गई है, जिससे लोगों को दिक्कतें आ रही है। सुल्तानपुरा में जलदाय विभाग में स्टाफ की कमी से ग्रामीणों को पेयजल समस्या से निजात नहीं मिली है। 33 ग्राम पंचायतों में सिर्फ 12 ही हैंडपंप मिस्त्री लगाए गए हैं। बूंदी के मानपुरा गांव में नरेगा मजदूरों ने रोजगार नहीं देने के विरोध में चक्का जाम कर दिया। करीब 3 घंटे के समझाइश के बाद प्रशासन ने जाम खुलवाया। अज्ञात असामाजिक तत्वों ने मांगलियावास के तबीजी छात्र हॉस्टल में बियर की बोतलें फोड़ी। घटना के चलते हॉस्टल की छात्राओं में गुस्सा है। अनूपगढ़ नगर पालिका परिसर में जल्द ही एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विधायक शिमला देवी बावरी मुख्य अतिथि होंगी। सारोला गांव में मीणा समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन में बारिश और तेज अंधड़ के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बदले मौसम में तेज अंधड़ और बारिश ने सारी व्यवस्थाएं बिगाड़ दी। मावली स्टेशन पर वन विभाग और पर्यावरण खान मंत्री राजकुमार रिन्वा का स्वागत किया गया, जबकि फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण मंत्री का जोरदार स्वागत किया। नागौर जिले के छापरी खुर्द गांव में ग्राम पंचायत ने पुलिस एवं प्रशासन की मौजूदगी में रोड से अतिक्रमण हटा दिया है। इस दौरान सड़क निर्माण में आ रही समस्या को दूर करते हुए सड़क पर रोड़ी डाली गई। मंडावल केरूंडा मेले में रूट दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। नादौती में तालचिड़ा में अटल सेवा केंद्र पर न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। नादौती उप जिला कलेक्टर भगवत सिंह देवल का स्थानांतरण और पदोन्नति होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। पीपलखुंड में राम मंदिर भूरा कुंड में अक्षय तृतीया मनाई गई। यहां दिन भर भगवान इंद्र की याद में ये मौका होता है, जहां लोग भगवान को याद करते हैं। जैतसर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब का जखीरा जब्त कर लिया है। वहीं दूसरे मामले में युवक को 5 लीटर हथकर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। गंगापुर में आमली गांव में नरेगा में काम को लेकर यहां मजदूरों की मौत हो गई। मजदूर की मौत के 1 घंटे बाद भी कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, जिसके बाद ग्रामीणों ने काम बंद कर हंगामा किया। नागौर के दतवाड़ा में परिंडा लगाने के कार्यक्रम आयोजित किए गए। जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मावली में साफा पहनाकर स्वागत किया गया। मावल में 11,000 केबी का बिजली का लाइन के तार टूटकर गिरने से एक गर्भवती महिला और उसकी बेटी की मौत। हादसे में एक मवेशी की भी जान चली गई है। इधर बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर लोगों में गुस्सा। हथुनिया में ओलावृष्टि हुई है, यहां नींबू के आकार के ओले गिरे। भीषण गर्मी के बीच अचानक तेज बारिश ने लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर दिया है। राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बाराखंड की तरफ से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यक्रम बांटे गए। ये फेरी प्रवेश उत्सव के प्रथम चरण के तहत निकाली गई। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मंडराल किला स्थित भैरवनाथ बाबा के मंदिर के पास पौराणिक तालाब में श्रमदान किया। इस दौरान जीव जंतुओं के लिए पेयजल की भी व्यवस्था की गई। मांडल कस्बे के जैनित शिक्षण संस्थान में समर कैंप का समापन हो गया। इस दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार बांटे गए। कोटा के टाकरवाड़ा में पूर्व गृह मंत्री शांति धारीवाल क्षेत्र के दौरे पर। पूर्व मंत्री ने कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी सुनी और बाद में शोक संबत परिजन के घर जाकर सांत्वना दी। राधा दामोदर जी मंदिर में ब्राह्मण समाज ने सामूहिक रूप से भगवान परशुराम का विधि विधान से पूजन किया। मोदी ने सदर थाना इलाके में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन 4 आरोपियों को पुलिस ने आईटी सेल की मदद से टोंग से गिरफ्तार किया। शाहपुरा बनेडा विधानसभा के सरदार नगर में राजस्व लोक अदालत अभियान के दौरान न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया।
150 गांव 150 खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।